नमस्कार, निर्माण आईएएस में आप सबका स्वागत है और आज हम अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक के विषय पर चर्चा करेंगे। इसके कुछ इनपुट हमने द हिंदू, दैनिक जागरण, पीआईबी से लिए हैं, साथ ही निर्माण आईएएस के भी कुछ इनपुट इसमें शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। देखते हैं ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त पर गठित स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक 2018 में आधिकारिक संशोधन करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक 2018 को जुलाई 2018 को संसद में पेश किया गया था और इसे SCF के सुपुर्द सौंप दिया गया था, जिसने इस विधेयक पर अपनी 17वीं रिपोर्ट 3 जनवरी 2019 को संसद में पेश कर दी थी। आधिकारिक संशोधनों से यह विधेयक देश में अवैध रूप से जमा राशि जुटाने के खतरे से कारगर ढंग से निपटने और इस तरह की योजनाओं के जरिए गरीब लोगों की गाड़ी कमाई हड़प लेने पर रोक लगाने की दृष्टि से और मजबूत हो जाएगा। इसकी मुख्य बातों को जान लेते हैं कि वे क्या हैं। इस विधेयक में प्रतिबंध लगाने का एक व्यापक अनुच्छेद है जो जमा राशि जुटाने वालों को किसी भी अनियमित जमा योजनाओं का प्रचार प्रसार करने, संचालन करने, विज्ञापन जारी करने अथवा जमा राशि जुटाने से प्रतिबंधित करता है। जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। यह विधेयक अनियमित जमा जुटाने से जुड़ी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा देगा। इसके तहत इस तरह की गतिविधियों को प्रत्याशित अपराध माना जाएगा, जबकि मौजूदा विधायी सह नियामकीय फ्रेमवर्क केवल व्यापक समय अंतराल के बाद ही यथार्थ या प्रत्याशित रूप से प्रभावी होता है। विधेयक में अपराधों के 3 प्रकार निर्दिष्ट किए गए हैं। पहला, जिनमें अनियमित जमा योजनाएं चलाना, दूसरा, नियमित जमा योजनाओं में धोखाधड़ी के उद्देश्य से डिफॉल्ट करना और तीसरा, अनियमित जमा योजनाओं के संबंध में गलत इरादे से प्रलोभन देना आदि शामिल है। विधेयक में कठोर दंड देने और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है ताकि लोग इस तरह की गतिविधियों से बच जा सकें। विधेयक में उन मामलों में जमा राशि को वापस लौटाने या पुनर्भुगतान करने के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जिनके तहत ये योजनाएं किसी भी तरह अवैध तौर पर जमा राशि जुटाने में सफल हो जाती हैं। विधेयक में सक्षम प्राधिकरण द्वारा संपत्तियों, परिसंपत्तियों को जब्त करने और जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान करने के उद्देश्य से इन परिसंपत्तियों को हासिल करने का प्रावधान किया गया है। संपत्ति को जब्त करने और जमाकर्ताओं को धनराशि वापस करने के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की गई है। विधेयक में एक ऑनलाइन केंद्रीय डेटाबेस बनाने का प्रावधान किया गया है ताकि देश भर में जमा राशि जुटाने की गतिविधियों से जुड़ी सूचनाओं का संग्रह करने के साथ साथ उन्हें साझा भी किया जा सके। विधेयक में जमा राशि जुटाने वाले और जमा राशि या डिपॉजिट को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। जमा राशि जुटाने वालों में ऐसे सभी संभावित निकाय शामिल हैं जो जमा राशि जुटाते रहे हैं। इनमें ऐसे विशिष्ट निकाय शामिल नहीं हैं जिनका गठन विधान के जरिए किया गया है। जमा राशि या डिपॉजिट को कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जमा राशि जुटाने वालों को प्राप्तियों के रूप में छलपूर्वक आम जनता से धनराशि जुटाने पर प्रतिबंध कर दिया गया है और इसके साथ ही किसी प्रतिष्ठान द्वारा अपने व्यवसाय के तहत सामान्य ढंग से धनराशि स्वीकार करने पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है या उसे बाधित नहीं किया गया है। व्यापक केंद्रीय कानून होने के नाते इस विधेयक में सरकारी कानूनों से सर्वोत्तम तौर तरीकों को अपनाया गया है और इसके साथ ही विधान के प्रावधानों पर अमल की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है जान लेते हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2016-17 में यह घोषणा की थी कि अवैध रूप से जमा राशि जुटाने वाली योजनाओं के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा, क्योंकि हाल ही के महीनों में इस तरह की योजनाओं के जरिए देश भर के विभिन्न हिस्सों में अनगिनत लोगों को भारी आर्थिक चपत लगाने के मामले सामने आए हैं। इन योजनाओं के बुरी तरह शिकार होने वालों में गरीब और वित्तीय दृष्टि से निरक्षर लोग शामिल हैं। यही नहीं, इस तरह की योजनाओं का जाल अनेक राज्यों में फैला हुआ है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के मुताबिक जुलाई 2014 और मई 2018 के बीच की अवधि के दौरान अनधिकृत योजनाओं के 978 मामलों पर विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों में विचार किया गया है और उन्हें राज्यों के संबंधित नियामकों प्रवर्तन एजेंसियों के सपोर्ट कर दिया गया है। आइए इसमें शामिल अन्य प्रावधानों को जान लेते हैं। अनियमित जमा राशि जुटाने की गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया है। अनियमित जमा राशि जुटाने वाली योजनाओं का प्रचार प्रसार अथवा संचालन करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान में धोखाधड़ी से डिफॉल्ट करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। जमा राशि जुटाने वाले प्रतिष्ठान द्वारा डिफॉल्ट किए जाने की स्थिति में जमा राशि का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक सक्षम प्राधिकरण को अधिकृत करना है। सक्षम प्राधिकरण को अधिकार सौंपना जिसमें डिफॉल्ट करने वाले प्रतिष्ठान परिसंपत्तियां जब्त करने का अधिकार देना भी शामिल है। जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान की निगरानी करने और अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई करने के लिए अदालतों को अधिकृत करना है। विधेयक में नियमित जमा योजनाओं की सूची पेश करना जिसमें एक ऐसा प्रावधान होगा जिसके तहत केंद्र सरकार इस सूची को बड़ा या छोटा कर सकेगी। चलिए देखते हैं आज की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक में भुगतान न करने की स्थिति में उस कंपनी के संपत्ति जब्त करने का अधिकार सरकार के पास होने का प्रावधान है। दूसरा, इस विधेयक में लोगों को सुरक्षा और अपराधों पर कार्रवाई के लिए अदालतों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। तीसरा, इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि पैसे का भुगतान न होने पर जमाकर्ता को जमा राशि की अदायगी का जिम्मा राज्य सरकार को होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, उपर्युक्त सभी। देखते हैं आज की मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या है। क्या अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक चिटफंड योजना पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में कामयाब होगा? हाल ही में हुए बंगाल चिटफंड घोटाले के प्रकाश में उपर्युक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। हम आशा करते हैं ये मुद्दा आपकी परीक्षा में मददगार साबित होगा। इस प्रकार के टॉपिक्स हम भविष्य में भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।